तो जैसा कि आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं है ना, और हमें एरिया निकालना है, तो जब भी हमें तीन पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उनसे बाउंडेड क्या हो सकता है? अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है तो उनसे ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल के एरिया का जो हमारा फार्मूला होता था हमें पता है वो होता है, दैट इज वन एक्स वन वाई वन वन एंड एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन। डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते थे, और इसकी जो भी वैल्यू आती थी चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो वो एरिया होता था। अगर निगेटिव होगा तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर करेंगे, और पॉजिटिव हो तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब समस्या ये है कि एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री है कौन सा? तो किसी को भी मान लीजिए, खैर हम एक तरफ से मान लेते हैं कि ये एक्स वन है वाई वन है एक्स टू, आप किसी भी सिक्वेंस में एज्यूम करते हो उसे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। खैर अब वैल्यू प्लेस कर दिया जाए, क्या आ जाएगा आपके पास? योर डिटर्मिनेंट बिकम माइनस टू माइनस थ्री वन थ्री टू वन एंड माइनस वन माइनस एट और ये वन हो गया, ठीक है। अब क्या किया जाए? अब तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, वी गेट द आंसर, लेकिन डिटर्मिनेंट पढ़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं ना। हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर में अगर कोई भी वन आ जाए तो कॉर्नर वाले वन को इस्तेमाल कर, किसी भी कॉलम में अगर या रो पूरी इंटायरली उसके एंट्री वन है तो किसी वन को इस्तेमाल करके बाकी दो जगह जीरो बनाया जा सकता है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा ले रहे हैं हम लोग, आर टू इम्प्लाइज आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री ट्रांसफॉर्म एज ए आर थ्री माइनस आर वन। अब आपकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी? योर डिटर्मिनेंट बिकम दैट इज वन बाई टू टाइम्स, डिटर्मिनेंट की शक्ल तो बदल जाएगी लेकिन वैल्यू तो बदलेगी नहीं, जैसा कि प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब क्या हो जाएगा, माइनस वन ला के मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है तो दैट बिकम फाइव, माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है दैट इज आल्सो बिकम फाइव, माइनस वन मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है दैट बिकम जीरो। यही ट्रांसफॉर्मेशन था कि आर वन में माइनस वन से मल्टीप्लाई करिए और फिर आर टू में ऐड कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये वन हो जाएगा प्लस थ्री ला के ऐड करेंगे माइनस फाइव हो जाएगा और यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। अब सी थ्री कॉलम में दो एंट्री जीरो है तो सी थ्री के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंडिंग अबाउट सी थ्री, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके बाद आपके पास, वन बाई टू ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो वन टाइम्स टू बाई टू के डिटर्मिनेंट आएगी, ये आपका क्लोज हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, ये एलिमेंट जिस रो में वो रो क्लोज जाता है, जिस कॉलम में कॉलम क्लोज जाता है, फिर टू बाई टू की आपके पास डिटरमिनेंट बचती है और वो कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ट्वेंटी फाइव, तो माइनस ट्वेंटी फाइव एंड माइनस क्या हो जाएगा फाइव, व्हाट्स वी हैव दैट इज माइनस थर्टी बाई टू, तो माइनस फिफ्टीन आएगा। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑलवेज क्या दिया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू दिया जाता है, कभी भी निगेटिव एरिया हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होती है। देयरफोर जो एरिया हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 15, अच्छा स्क्वायर यूनिट भी लिख दीजिएगा है ना, स्क्वायर यूनिट दैट इज योर आंसर।